जाओ भाई, जाओ भाई, तू जो भी हो। हाँ भाई, अपनी लैंग्वेज में तो बात करो। बढ़िया बढ़िया। ऐसा तो करो, करो 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 करो। चलो राधे राधे बोल दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। भी फोन ले रहे हैं, लो गुंजी की पीछे राधे। आप मूड नहीं है इनका, मूड नहीं तो मूड होता जब भी तो करते हैं। करो करो राधे राधे करो, राधे राधे गोविंद कर दो, राधे राधे गोविंद करो भाई, करो करो भाई। नहीं कर रहा भाई, मूड नहीं है, छोड़ो भाई, मूड नहीं है भाई इनका, ये ना करते भाई, जब मूड होता जब ही करते हैं। ओ वही हो ना हो क्या, अभी तो सो के उठे हैं भाई साहब, सो के उठे हैं, है ना भाई। दवाई भी नहीं खाई, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे। चलो गुड मॉर्निंग कर दो, राधे राधे कर दो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहा, गुड मॉर्निंग कर दो, लो गुड मॉर्निंग कर दो, ना गुड नाइट करेंगे ना गुड मॉर्निंग करेंगे ये लोग, क्यों भाई। गुड मॉर्निंग कर दो, राधे राधे बोल दो भाई, है भाई, बोल दो भाई, ये ना बोल रहा कुछ, ये तो बस लिपटे रहे अपनी मम्मी से, है भाई लिपटे रहो बस तुम। चलो भाई जा रहे हो तो जाओ, चलो बाय बाय तो कर दो, बाय, कपड़े लेने, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, बाय टाटा कर दो, फिर नमक खिलाएंगे तुम्हें, बाय 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 कर दी भाई, बाय कर दी, अरे फ्लैंकिच फ्लैंकिच, नाक में उंगली, नाक में उंगली, मुंह में उंगली। चलो भाई जाओ, भाई जाओ, चलो ठीक है, बाद में आना भाई, ठीक है, जाओ भाई, चले जाओ। अरे भाई अभी गए नहीं है ये लोग, अभी ये गए हैं चाची जी के यहाँ पे, चाची जी का फ़ोन आया था कि भाई हमारे यहाँ भी आ जाओ, तो ये लोग वहाँ पर गए हैं, बौजी दीदी और छोटा भांजा अपना, तो ये लोग वहाँ गए हैं, और भाभी जी और हंसवी तो वो कल ही चले गए थे, तो उनको जाना था क्योंकि हंसवी का स्कूल चालू हो गया, मतलब उसको आज स्कूल जाना था, तो इसलिए उनको जाना था, तो वो चले गए कल ही। बाकी ये लोग गए चाची जी के यहाँ, और अपनी हो चुकी है गुड मॉर्निंग जी, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, राधे राधे, हर हर महादेव भाई सभी लोगों को, और बस अपना दिनचर्या की शुरुआत करते हैं नाश्ते पानी से, नाश्ता करते हैं और उसके बाद में फिर हम बाद में मिलते हैं तुमसे, ठीक है भाई। पापा को कहीं जाना था, कल बोला था उन्होंने कि तू चलेगा साथ में, मैंने कहा चल दो भाई बाइक लेके चल लेंगे, तो बट अभी पापा है तो अभी बाहर गए हैं, पापा आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो जब भी उनसे पूछते हैं कि भाई चलना है नहीं चलना, कि क्या प्लान है, कल तो कह रहे थे कि चलना थोड़ा बहुत काम है तो चल लियो साथ में, मैंने कहा चलो ठीक है चल देंगे भाई, अपने को क्या है घर रह के भी क्या ही करना, थोड़ा बाहर ही चले जाते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। भाई हम रेडी, अपनी बाइक रेडी, अब बस पापा का इंतजार कर रहे हैं, पापा आए तो भी चले यार फटाफट, धूप भी निकल आई बड़ी तेज की, एकदम कड़ाती हुई धूप निकल आई, घर में अभी तक धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन जाते जाते टाइम धूप निकल आए भाई, आ रहे भाई आ रहे, अरे आ जाओ। चलो भाई चलते हो ना भाई, हाँ भाई बाय बाय कर दो मामू, चलो बाय बाय कर दो भाई, जाने का टाइम हो गया ना, तो बीच में बाय बाय करो, हाँ हाँ चलो भाई, अरे चलो भाई बाय करो, बाय 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 कर दो, बाय करो, अब नहीं अब तो सोते हुए तो उठे हैं, चलो भाई चलो, वो बोल दो, पहले भी आकर अरे अब तो बता दो कब आओगे,
हाँ भाई कब आओगे अब आपकी शादी पे? आप जल्दी से शादी करके दिखाओ कैसे बाय कर दो। बाय देख लो भाई, छोड़ने छोड़ने कितने जने आ रखे हैं। कितने बाय करो, जितने जा रहे हैं उनसे डबल है। नानी को बाय कर दो। देखो भाई हो गई बाय। चलो भाई बाय हो गई। कन्हैया ओ कन्हैया, अरे कृष्णा आप ना सुने भाई। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये तो चल दिए, हम भी चले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग, सेम कंटिन्यू ब्लॉग। और भाई अभी हो रही है हल्की बूंदा बांदी, हल्की बूंदा बांदी नहीं है, मतलब है मोटी बूंदे, मोटी बूंदे पड़ रही हैं और बस नाम गाएगी गीला करके चली जाएगी। तो यही रहता है मौसम, बस ये है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, धूप निकल जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, बस इतना ही रहता है, बाकी सही है यार। बारिश वारिश हो तेज हो मज़ा आए, लेकिन कतई नहीं होगी। और बाकी भाई हेयर कट करवा लिए अपने, क्योंकि भाई गर्मी लगती है बड़े बालों में ना, गर्मी लगती है, उसकी वजह से हेयर कट कर लिया। और फिर वैसे भाई तुम लोग बताओ, छोटे बाल सही लगते हैं मेरे पे या बड़े, क्यों कैसा लग रहा है? भाई अब जाके मैंने बिग बॉस के दो एपिसोड देखे हैं, एक तो कल वाला जो वीकेंड का वार कल हो गया, मतलब यानी कि फ्राइडे को वीकेंड का वार हो गया था, और एक मैंने देखा था जो कौन सा वाला था जिसमें ये नॉमिनेट हुए हैं, विशाल कटारिया और शिवानी, ठीक है, ये तीन नॉमिनेट हुए हैं। और एक ऐसी छोटी मोटी जो रील्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, वो मैंने देखी थी। तो सीन ये हुआ कि हेड ऑफ़ द हाउस तो भाई रणवीर शौर्य जी बन जाते हैं, ठीक है, उन्होंने खूब भागा दौड़ी करी आखिरी तक, लव कटेरा के साथ में खड़े रहे, मतलब कंपटीशन बन के खड़े रहे, फिर आखिरी में तो वो जीत जाते, तो हेड ऑफ़ द हाउस वो बन जाते हैं। उसके बाद में भाई बिग बॉस इनको बुलाते हैं कि भाई आप नॉमिनेशन की बातचीत करते हैं, तो इन्होंने पूरा ग्रुप उठा के नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, और इनको साथ में ये पावर दी गई थी, अगर आपको बचाना चाहें तो आप किसको बचाना चाहेंगे, तो उन्होंने अरमान को बचा लिया, ठीक है। बिग बॉस ने यहाँ पे अपना खुद का रूल तोड़ दिया कि भाई जो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट है उसको तुम कैसे बचा सकते हो, और उनका कंट्रीब्यूशन ही क्या है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ हो गई। मतलब इस साल का जो बिग बॉस का जो सीज़न गया है ना भाई साहब, बदतर जैसे गया था, बदतर, मतलब देखने का भी ऐसा मन नहीं करता, बट देख लेते हैं यार, क्या करें, टाइम पास तो करना ही पड़ता है ना, कि भाई क्या करें, तो बस देख लेते हैं, वो वाला सीन है, इतना देखने का मन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में भाई नॉमिनेट हो गए, फिर इनको एक टास्क दिया था नॉमिनेशन वालों को कि भाई अगर तुम्हें एक आखिरी चांस है जो अपने आप को तुम सेव कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा, मतलब जो भी इनको टास्क दिया था, ऐसा मैंने देखा था, ये छोटी रील्स वीडियोस में देखा था, कि जिसमें कटारिया विशाल और शिवानी को अपने अपने की बुराइयां करनी थी, ठीक है, और रैली वैली या कुछ ऐसा प्रचार वगैरह कुछ करना था, तो मैंने वो देखा, तो उसमें भी मतलब लोग ना ऐसे, मतलब ऑडियंस बन के बैठे हैं, ऑडियंस ही बन के बैठे हैं घर के अंदर, सारे के सारे ऑडियंस बन के बैठे हैं, कोई इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनका चल क्या रहा है, ठीक है। कृतिका का भाई वो यहाँ तक पहुँच गया, क्यों पहुँची है, ठीक है, उसके बीच में भी कृतिका और शिवानी की कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी, पता नहीं किस चीज़ को, रेस वगैरह, हाँ, जिसमें मतलब ये कटारिया ये सब भाग रहे थे रेस के, ऐसा कुछ हुआ था रेस के लिए, तो उसमें लड़ पड़ी शिवानी से, मतलब पहले तो जी भाई वो, फिर उसके बाद में लड़ पड़े, तो सेंसलेस लड़ाई थी वो भी, मेरे को कुछ समझ में ऐसा कुछ आया नहीं। बाकी और चीज़ क्या थी, बस ये हुआ। फिर कल के वीकेंड के ऊपर की बात कर लेते हैं, वीकेंड का बात, मैंने पहले जैसे मैंने आपको बोला भाई अपनी वीडियो में कि वीकेंड के वार में से वार हटा दो, कोई वीकेंड का वार नहीं कहलाया था, मेरे को ये समझ में नहीं आता, अनिल कपूर जी इनकी दोस्ती के पीछे क्यों पड़े हैं, कि भाई लव कटारिया और विशाल शिवानी सना मकबूल इन चारों के ग्रुप के पीछे पड़े भाई, इनके ग्रुप के पीछे पड़े कि भाई इनकी दोस्ती कैसे चल रही है, यहाँ पे हम दोस्त बनाने थोड़ी ना आए हैं, ये करने थोड़ी ना आए हैं, फलाने ढिमकाने नहीं आए, ठीक है। और जहाँ ग्रुप ए की बात की जाए, जिसमें यार मान रणवीर शौर्य साई कृतिका और जो बच्चे कुत्ते जो भी है उसमें,
ठीक है। तो ये सब, ये इनका तो भाई ग्रुप बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं इनको, कुछ ये कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते, ठीक है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन ये चुप रह के अपने पेड़े खा रहे हैं, मतलब पेड़े खाओ अपना चुप बैठो, कुछ नहीं करना इनको। ये तो बस ऐसे आ रखे भाई, जैसे छुट्टियाँ मनाने आते हैं 1.5 महीने की, 2 महीने की, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई, उसके बाद में काम धंधे पर जाना, 2 महीने की छुट्टियाँ बिता ली, फिर उसके बाद में काम धंधे पर जाना, ये लोग ऐसे आ रखे हैं। इनको कुछ है नहीं, कुछ इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन या कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं गेम के अंदर कि भाई ये कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है। इनसे ना हंसी मजाक होती, ठीक है, ना इनसे लड़ाइयाँ होती, ना इनसे बातचीत होती, ये सिर्फ आते हैं सिर्फ बुराइयाँ करने, इसकी बैक पिचिंग कर दी, उसकी बैक पिचिंग इधर कर देते हैं, उसकी बैक पिचिंग इधर कर देते हैं। तो ये तो इनका काम है, ठीक है, तो ये इनका काम इन्हीं को सौंप देते हैं, भाई तुम करते रहो, तुम ये सब ही करते रहो और कुछ मत करो, तो इनका काम यही है। और फिर वीकेंड के बाद तो भाई क्या ही बोलो यार, वीकेंड के बारे में मेरे को कुछ ऐसा समझ में आया नहीं कि वीकेंड बाद रखते ही क्यों है, क्यों ही बुलाते हैं यार वीकेंड के बार को, खुद ही बिग बॉस खुद ही कर ले भाई वीकेंड के बार, क्यों अनिल को जी को बुला के भी वीकेंड के बार कराते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों। ठीक है, ये इनके दोस्त के पीछे पड़े। अब भाई इतिहास उठा के देख लो, बिग बॉस की दोस्ती सिर्फ बिग बॉस के अंदर तक ही है, बाहर आके कुछ नहीं होता भाई। बाहर आके जितना भी तुम कुछ कर लो, जितना भी तुम, सब अपने अपने काम में भाई बिजी हो जाते हैं, कोई किसी से मिलने तक का या कॉल पे बात करने तक का या फिर कुछ भी हाल चाल पूछने तक का टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, या फिर भाई भूल जाते हैं भाई 1.5 महीने तुम साथ में, जब तक है जब तक बातचीत है, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं है। तो ये सब रहता है, ये इतिहास उठा के देख लो भाई, बिग बॉस जब से चलता हुआ आ रहा है और ये ऑडिट जब से चालू हुआ है, कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं चलती बाहर आके, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, सब अपने अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। तो ये नसीहत दी जा रही है कि भाई दोस्ती रिलेशंस हमारे क्या हैं, फेक है, रियल है, फलाना है, ढिमकाना है, तला क्यों भाई, जब तुम्हारे पास में मुद्दा ही नहीं है तो तुम कुछ भी उठा के कुछ भी मुद्दा बना के कुछ भी बकवास कर दो वीकेंड के बाद के अंदर, ठीक है, ये सब चल रहा है। तो बाकी तो भाई देखो भाई कौन इफेक्ट होता है, शिवानी इफेक्ट होती है, या लव कटहरे इफेक्ट होता है, या फिर विशाल पांडे इफेक्ट होता है, आपको क्या लगता है कौन इफेक्ट होगा? मेरे को जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि भाई शिवानी हो सकती है या फिर विशाल पांडे, इन दोनों में से मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई इफेक्ट होगा। बाकी तो भाई देखो कि क्या होता है क्या नहीं, बट वीकेंड का वार नहीं रहा, और वर्स्ट सीज़न है भाई, वर्स्ट से भी बदतर सीज़न है ये, समझ में नहीं आ रहा कि इस सीज़न के अंदर चल क्या रहा है, कि चला क्या रहे हैं। मेकर्स तो खुद ही पागल बने बैठे हैं, वो खुद पागल हुए हैं कि भाई क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या सोचा था, क्या हो गया अब, क्या हो गया अब, ये क्या हो गया, तो उनके ऊपर कोई बातचीत कुछ नहीं है। तो ये है, बाकी भाई मैंने आज ही ख़त्म करे अपने 2 एपिसोड देखे, बस मैंने मन नहीं करा, मैंने कहा छोड़ भाई अब क्या ही देखना, तो जितना भी मैंने देखा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता देना भाई कि कौन इफेक्ट होगा, आपको क्या लगता है किसके सपोर्ट में। बाकी हाँ भाई तब कर डे आर्या भाई को सपोर्ट करो, वही बंदा मेरे को सही लग रहा है, वही सब कुछ चीज़ें कर रहा है, हंसा रहा है, जहाँ पे बोलना होता लड़ाई करनी हो लड़ाई करता है, फलाना टिमकाना जो भी है भाई वही है बस, और कुछ नहीं, उसके दम पर ही शो चल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो भाई लव कटारिया भाई हैट्स ऑफ कि भाई आप बढ़िया गेम खेल रहे हैं, बाकी तो और विशाल भी अच्छा गेम खेल रहा है, और रणवीर शौरी कहीं ना कहीं अच्छा गेम खेल रहा है, वो किसी भीड़ चाल में नहीं आते जैसे अरमान मलिक जो भीड़ चाल में चल रहा है भाई। एक चीज़ और, अनिल कपूर जी ने ये जरूर पूछा था कि भाई कि कोई दो नाम बताओ कि जिसको तुम टॉप 2 में देखते हो, ठीक है, कि जिसको तुम फाइनल्स में देखते हो, तो अरमान से पूछा, उन्होंने बोला मेरे लिए नज़र में तो विनर रणवीर शौर्य है और कृतिका है, ठीक है, और साई केतन से पूछा, उसने भी बोला कि दूसरा तो मेरे को पता नहीं, पहला मेरी नज़र में विनर तो रणवीर शौर्य है, ठीक है भाई, कि भाई अगर तुम्हें विनर दिख रहा है, चलो ठीक है, तुम्हें विनर को पता है कि भाई विनर ये है रणवीर शौर्य, तो भाई तुम 9 मिनट हो गए बाहर ही निकल जाओ ना, तुम आए क्यों बिग बॉस के अंदर, तुमने पार्टिसिपेट करा ही क्यों है, पार्टिसिपेट करा ही है तो वैसे भी तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं,
तो भाई क्यों हो तुम बिग बॉस के अंदर आए क्यों थे? सिर्फ पैसा कमाने आए थे कि लोगों को दिखाने आए थे कि भाई हाँ हम भी कुछ हैं साई केतन, हमें आई जानते जानेंगे साई केतन नाम का कोई बंदा है, अरमान नाम का कोई बंदा है, तो भाई तुम आए क्यों? और जब रणवीर शोरे ही विनर है तो जब उसको तुम फाइनल में देखते हो तो तुम आए क्यों भाई? मेरे को तो समझ में आया। फिर उसको फिर लपकट डायरेक्ट से पूछा कि तुम्हें कौन दिखता है। उसने पहला तो अपना नाम लिया भाई, ऑब्वियसली अगर कोई आया है तो भाई खुद के लिए खेलना है ना, खुद फाइनल में पहुंचने के लिए जीतने के लिए आया है, तो उसने अपना नाम लिया। दूसरा नाम लिया कि शिवानी या विशाल में से किसी दोनों में से एक को देखता है वो। भाई सही है, जायज भी है कि भाई एक चलो किसी ने तो अपना नाम लिया कि भाई हाँ मैं अपने आप को फाइनल में देखता हूँ और मैं ही अपने आप को विनर देखता हूँ। भाई किसी ने तो अपने बारे में सोचा, ऑब्वियसली भाई अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोच के तुम दोस्ती निभाओगे? तुम क्या सोच रहे हो कि भाई ये इंडस्ट्री में काम दिलाएगा जिसके पास में खुद इंडस्ट्री के पास में काम नहीं हो? भाई इंडस्ट्री किसी के रिकमेंड के ऊपर नहीं चलती है, ठीक है? इंडस्ट्री को दिखता है काम। अगर तुम्हारे पास में है बढ़िया था, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो तो भाई अच्छे अच्छे बैठ जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तुम क्या एरे गैरों को उठा के तुम इंडस्ट्री में उठा के कोई भी एक्टिंग करा लेगा अगर तुमसे? यही था अपना आज का बिग बॉस का समाचार। समाचार कह लो कि क्या ही कह लो, बस यही इतना दिखाया यार। बाकी मेरे को मन नहीं करा यार बिग बॉस देखने का। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह देखने के लोग के साथ में। बाकी बाय और गुड नाइट। राधे राधे, हर हर महादेव। भाई अभी मैं हूँ संभव के घर पे और यहीं पे मैंने बिग बॉस का एपिसोड अभी जस्ट ही ख़त्म करा है। और सीन ये है कि भाई दो एलिमिनेशन हुए, सिंगल एलिमिनेशन नहीं हुआ, दो एलिमिनेशन हुए हैं। शिवानी कुमारी, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो भाई आपको पता लग गया होगा, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे दोनों का एविक्शन हो चुका है। ये लोग घर से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही शॉकिंग एलिमिनेशन था विशाल का। मेरे को लग रहा था कि टॉप फाइव में नहीं तो टॉप थ्री में तो जाएगा ही जाएगा जिस हिसाब से खेल रहा था, बट नहीं भाई, बिग बॉस को कुछ और ही लगता है कि कौन टॉप थ्री टॉप फाइव में जाएगा। तो लवकेश का तो भाई बुरा हाल था भाई, कटारिया ने तो रो रो के भाई सब बुरा हाल कर गया। ऑब्वियस बात है भाई, किसी का दोस्त कोई बाहर निकल जाए तो फिर अजीब सा लगता है ना, तो रो नहीं आता है, तो ये सब हुआ।